गंगा नदी का प्रदूषण खत्म करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नाम से देश भर में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यूपी के इटावा में भी नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। दरअसल यहां नमामि गंगे परियोजना के गोदाम से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के गोदाम पर दो गार्ड तैनात थे, तभी हथियारबंद सो रहे और उन्होंने गार्ड को बंधक बनाकर गोदाम में रखी प्रोजेक्ट की 57 बेटियों को चोरी कर लिया और उसके बाद आरोपी फरार हो गए। वही गार्ड की शिकायत के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले को गंभीरता से लिया। किस तरह की घटना हुई है, क्या कुछ हुआ है आज? एक्चुअली हमारा जो है जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ हम लोगों ने अपना सेंट्रल स्टोर बना रखा है। इटावा के जो 8 ब्लॉक हैं, ये राजा नगला है, ये कल्लू जी की मिल है, पुरानी बंद है, तो उसको हम लोगों ने किराए पर ले रखा है, तो वहीं अपना स्टोर बना रखा है। तो वहाँ पर जो 8 ब्लॉक का मटेरियल है वो हमारा स्टॉक था, जिसमें से ब्रास की फिटिंग हमारी जो थी, मतलब आपका टोटी जो होती है, बिकॉक हम लोग बोलते हैं, और फेरल होता है जो पाइप ज्वाइंट करने के लिए यूज़ होता है, तो वो दोनों रखा हुआ था, वही दोनों चोर हुई है लगभग, जिसकी कीमत 37 लाख के आसपास बैठ रही है। सर क्या कंपनी का नाम है, क्या फर्म का नाम है? ये हमारा ज्वाइंट वेंचर में है, ओम इंफ्रा लिमिटेड और JWIL इंफ्रा लिमिटेड। लगभग सर क्या आपने इसकी घटना पुलिस को जानकारी दी? सुबह जैसा गार्ड बता रहा है उसने, तो 3-4 बजे के आसपास इन लोगों को बता दिया, तो सभी लोग गए थे वहाँ पर चेक किया, फिर सुबह से कंटिन्यू चली रहा है चेकिंग। इससे पहले कोई और भी घटना नहीं है भैया? हम लोग के लिए पहला है, मतलब हमारे लिए क्या पूरे कंपनी में ही पहला मैटर है ऐसा। जी जी कितने लोग थे घटना जब हुई अप्रॉक्स? जैसा गार्ड बता रहा है कि 4 से 5 लोग रहे होंगे, 2 आगे से आए थे वो बोल रहा है, बाकी 2-3 पीछे से भी आए थे। घटना में सर क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ सामने आया अभी तक? अभी तक तो पुलिस चेक कर रही है, अभी ऐसा कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस चेक कर रही है, कहीं से शायद उनको फुटेज मिला है, लेकिन अभी वो कन्फर्म नहीं है। आपको सर जानकारी कितने बजे हुई सब? मेरे पास कॉल आया 5 बजे और उसके बाद से हम लोग यहीं हैं। आपके सर सीनियर जो हैं और भी लोग हैं? जी जी। कौन कौन आए हैं अभी तक कहाँ? ये हमारे रंजीव सर हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं जी, बाकी हमारा स्टाफ भी बाहर है जो साइट का वर्क करता है। कब से काम कर रही है आपकी कंपनी यहाँ? अभी तो हम लोग को लास्ट जून से ही स्टार्ट किया यहाँ पे काम हमने, और अभी है 2 साल का हमारा प्रोजेक्ट है जी। हाँ वो एप्लीकेशन डाल दिया है। नहीं अभी नहीं। वही गोदाम में रखे सामान की चोरी के मामले की जानकारी जैसे ही इटावा में मौजूद आईजी प्रशांत कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार को हुई, तो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। एसएसपी ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के गोदाम से चोरों ने 57 पेटी को चोरी किया है। इस मामले को लेकर टीम को गठित कर दिया गया है, जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में चोर आएंगे और उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया जाएगा। देखिए ये यहाँ पर ब्रॉस के कुछ नमामि गंगे का जो हर घर जल की व्यवस्था करते हैं, उसमें कुछ ब्रास का सामान आया हुआ था और ब्रास का टोटी थी और कनेक्टर उसका था, वो करीब क्या कहते हैं 58 पेटी के आसपास गायब है, और कुछ बदमाश आए थे और घटना किए हैं। इनके 2 गार्ड थे बंदूक के साथ, हालांकि बंदूक और गार्ड दोनों सेफ हैं, कोई कहीं किसी को चोट नहीं है, और निरीक्षण घटनास्थल मेरे द्वारा, एसपी आरए द्वारा और सभी सीओ द्वारा और आईजी सर द्वारा भी कर लिया गया है। बाकी घटना में कुछ तथ्य सामने आए हैं, हम शीघ्र ही इस घटना का पर्दाफाश करेंगे और कठोरतम कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ करेंगे। सर लगभग कितने का माल बताया गया? अब ये भी इनके जो स्टोर वाले हैं और जो इनके सुपरवाइज़र हैं, इनसे ये गणना कराई जा रही है। 58 पेटी माल उन्होंने बताया है, बाकी इसका कितना दाम है इसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दरअसल गोदाम से चोरी हुए सामानों की कीमत 37 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरी का खुलासा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।